नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत न्यूज। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देगी। वही पार्टी की तरफ से ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। वही महागठबंधन में राजद, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बातचीत जारी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का राजद को समर्थन मिलना महागठबंधन के लिए एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में बिहार का दौरा करने का निर्णय करेगा, जहां कोविड-19 महामारी के बीच साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। राज्यसभा के उपसभापति और जदयू सांसद हरिवंश नारायण सिंह ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर को राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ, उससे पिछले 2 दिनों से गहरी आत्मपीड़ा, आत्म तनाव और मानसिक वेदना में हूँ। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ड्रग्स केस में फंसी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ गई है। आपको बता दें, रिया को एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इस बीच रिया चक्रवर्ती और उनके भाई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई कल यानी कि 23 सितंबर को होगी। देश में रोजाना कोरोना वायरस के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। कुछ राज्यों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। ऐसे में कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्रियों के अलावा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी चर्चा में शामिल होंगे। भारत, आपकी आवाज हमारी ताकत। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।